ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क कर रही है। बुड्ढा शादी करने चला है। तू मुझसे झूठ बोल रही है? अभी अभी मैंने उसे किसी के साथ देखा, बता कौन था वो? हा? तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। देखो मैं उससे प्यार करता हूँ और ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना। अगर मैं चाहूँ तो उसे जबरदस्ती उठा के ले जा सकता हूँ और यहाँ पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, उसे भूल जाइए, वो किसी और को दिल दे बैठी है। उसका दिल मेरे पास है, ऐसी आवारागर्दी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहाँ गई थी तू? किसके साथ थी? कौन था तेरे साथ? बता कौन था तेरे साथ? लंगूर चला है अंगूर खाने। ये गलत है, ये इंसाफ नहीं है। तेरी भी शादी गांव वालों ने देखकर ही कराई थी। तूने अपनी दुल्हन को परेशान करके मंगलसूत्र छीन के उसे भगा दिया। उसके कारण आज तक दोनों गांव में दुश्मनी है जो अभी तक चल रही है, सब तेरे कारण। ये गांव की सीधी साधी भोली भाली लड़की है, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे साथ जब वो रहना ही नहीं चाहती तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? अच्छा तेरी बीवी क्या तेरे साथ खुशी खुशी रहती है? जब पूछ उससे। क्यों तुम्हें भी कोई और पसंद है क्या? आप भी ना। एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना कर्ज है तुम लोगों पर कि जिंदगी भर चाहोगे तो भी नहीं उतार पाओगे। अगर ज्यादा नाटक किया तो दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। कल मैं फिर आऊंगा और तुम लोगों को शादी की तारीख बताऊंगा, समझ गए? सुनो बहन, तुम गांव वालों से मिलकर सरपंच से बात करो, वहां देख लेंगे। तो जाओ जाओ ना, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहे जिसे भी बुला लो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो किसी की भी बैंड बजा सकता हूं। अच्छा एक बात बता, तू हमारे बीच आने वाला है कौन? अगर तूने हमारे मामले में फिर टांग अड़ाई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। फॉरेन से लौट के आने तक वो ऑफिसर इसे छोड़ेगा नहीं। तुम रजिस्टर ऑफिस जाकर इससे शादी कर लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, हालात ही उसका फैसला करते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हालात ऐसे होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम लोग चले जाओ। चलो जाओ। तुम भी चलो ना माँ। सोचा नहीं था कि तुम दोनों की शादी इस तरह से होगी। अगर मैं तुम लोग के साथ आई और किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग जाओ बेटा। जी आंटी। मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रही हूँ, उसका ख्याल रखना। माँ मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं अपनी खुशी से तुम्हें भेज रही हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगी बेटी। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। जल्दी जाओ। क्या कह रहे हो, इतना सब कुछ हो गया? हाँ ठीक है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कल ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ठीक है, हमें यहां से निकलना होगा,
ऐसा क्यों? अगर तुम दोनों को यहाँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम दोनों मेरे भरोसे आए हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो फिर किसी होटल में चलते हैं। होटल में जाना ठीक नहीं रहेगा, बिना मतलब के सवाल पूछेंगे। मुझे एक गेस्ट हाउस पता है, वहाँ कोई नहीं आएगा। वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, और एक दिन की ही तो बात है ना? तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन आया साहब, गेट खोलो। आइए साहब। रूम खुला है ना? अरे क्या बात करते हैं साहब, रूम ऐसे कैसे खुला रहेगा? हाँ। लीजिए चाबी और जाकर खोल लीजिए। ठीक है। चलो अंदर। ठीक, मैं आता हूँ। ठीक है, लो बैग दो। मैं लेता हूँ। वॉचमैन से बोल दिया है, वो मेरी पहचान वाला है। कुछ चाहिए तो बोल देना। ठीक है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? कल शादी है, मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ।